हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे से होटल मैनेजमेंट सिस्टम के टोटल से चल रही है एंगुलर 8 एंड लारावेल का यूज़ करते हुए। तो आइए से हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में हमारे होम पेज पर जो सर्विस ब्लॉग है इसके लिए हम एपीआई बना चुके थे। देन डेटाबेस में हमने यहाँ पर माइग्रेशन मॉडल बना के सर्विसेज को इंसर्ट भी किया था, और इसके लिए हम एपीआई बना चुके थे जिसे हमने पोस्टमैन से चेक भी किया था। आज हम इस एपीआई से डेटा हमारे एंगुलर प्रोडक्ट में फेच करेंगे और इस प्रोजेक्ट में फेच करके यहाँ पर हम इसे डिस्प्ले कराएंगे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस जो एपीआई का डेटा है इसे फेच करना है। इसे फेच करने के लिए हम कोड करेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। देन इसमें सबसे पहले हम ओपन करेंगे होम कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल। तो यहाँ मैं ओपन करता हूँ होम कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल। देन इसमें हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, तो हम यहाँ पर फॉर्म के नीचे बनाएंगे ऑल सर्विसेस। देन यहाँ पर हम से अभी एनी टाइप से रखते हैं, इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा एनी। देन सेव। देन यहाँ पर हमें जो सर्विसेस है तो यहाँ लिखेंगे हम दिस। यहाँ पर सबसे पहले हमें सर्विसेज को फेच करना है, तो फेच करने के लिए हम यहाँ पर एक एपीआई कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे दिस डॉट HTTP डॉट, हमारी जो API है वो गेट टाइप की है, तो हमें लिखेंगे गेट। अभी तक हम पोस्ट टाइप की API कॉल करी थी, हमने पोस्ट लिखा था, इस बार हम गेट टाइप की API कॉल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ गेट लिखेंगे। देन इसमें पहला पैरामीटर हम URL पास करेंगे। तो URL बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे बेस URL। देन बेस URL के बाद हम हमारे पोस्टमैन पे जाते हैं। देन पोस्टमैन से हम यहाँ से URL कॉपी करेंगे पब्लिक स्लैश API स्लैश गेट सर्विस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक स्लैश API स्लैश गेट सर्विस। देन इसके बाद हम पर गेट API है, तो हमें इसमें और कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे करेंगे यहाँ से सब्सक्राइब। देन सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर हम एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। देन उसको हम रिस्पॉन्स गेट करके कंसोल डॉट लॉग करेंगे। कंसोल डॉट लॉग देन डेटा। देन यहाँ पर हमें धीस लगाना होगा, हमने यहाँ पे धीस यूज नहीं करा इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे धीस डॉट बेस URL। तो यहाँ पर हमारी API सक्सेसफुली कॉल हो चुकी है। अब हम इसे सेव करते हैं। देन अगेन हम कंसोल में देखते हैं हमारे पास क्या कंसोल में सर्विस आ रही है। और सर्विस जो हमारे पास पोस्टमैन भी जिस टाइप से जेसन आया था, इसी टाइप का जेसन हमारे पास हमारे कंसोल पे भी आना चाहिए ना। पेज लोड हो रहा है। कंसोल को ओपन करेंगे। कंसोल के मैसेज ब्लॉक पर हम जाएंगे और अगेन हम इसे करते हैं हमारे पेज को रिलोड। देन यहाँ पर हमें कुछ मिला नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो हम इसके लिए नेटवर्क में देखते हैं कि हमारी API कॉल हो रही है या नहीं। अगेन हम करते हैं कंसोल क्लियर। देन इसके बाद हम करते हैं इसे रिलोड। तो हमारी गेट सर्विस API कॉल होना चाहिए, अगर API कॉल होगी तो हमें यहाँ शो होगी। ओके, गेट सर्विस हमारी API कॉल हुई है लेकिन पेंडिंग स्टेट में है, इसलिए हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स प्रिंट हुआ था। API देखते हैं हमारी हमारी गेट इस पे है और ये कॉल हो चुकी है। देन इसका डेटा आ चुका है। देन अगर हम कंसोल में देखें तो यहाँ पर हमारे पास देखिए डेटा आ चुका है, जो हमारी API है वो कॉल हो चुकी है और उसके अंदर जो डेटा है वो सारा यहाँ पर आ चुका है। तो अब हमें इस डेटा को यूज़ करते हुए हमारी जो सर्विस ब्लॉक है यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले हमें हमारे इस वेरिएबल के अंदर इसे लेना है,
जो हमारा ऑल सर्विसेज है, तो इसमें हमें सर्विस में लेने से पहले इसे अभी ये ऑब्जेक्ट में है तो इसे हमें अरे में कन्वर्ट करना होगा। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम इसे सबसे पहले अरे में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी देखिए स्टेटस मैसेज देन डेटा है तो ये 0, 1 और 2 इंडेक्सिंग बनना चाहिए, तो हम इसको अरे में कन्वर्ट करेंगे। तो अरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये लाइन यूज़ करना है। देन इस लाइन को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो डेटा है, जहाँ जहाँ पर हमारे पास RESP लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा। देन इस RESP 1 में जो हमारे पास आ रहा है रिस्पॉन्स, हम उसे प्रिंट करेंगे। देन अगेन चेक करेंगे, जैसे करते हैं हम सेव। एंड अगेन रिलोड होने के बाद हमारे पास API कॉल होके आउटपुट आएगा। देखिए ये हमारी API कॉल हो चुकी है। देन पिछली बार हमारे पास जो था वो स्टेटस और ट्रू की थी, लेकिन इस बार देखिए अरे की ये की बन वैल्यू बन चुकी है। पहले ये सब यहाँ पर आ रहा था स्टेटस ट्रू देन मैसेज सक्सेस आ रहा था, इस बार यहाँ पर 0 और 1 आ चुके हैं, स्टेटस मैसेज देन डेटा हमारे पास हट चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर इन्हें चेक करेंगे क्या स्टेटस ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारा RESP है, जो RESP है डॉट डॉट नहीं, इसकी 0 इंडेक्स है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास 0 इंडेक्स पर आ रहा है। अगर 0 इंडेक्स जो है वो अगर ट्रू है तभी हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देन इसमें हम लिखेंगे दिस डॉट जो ऑल सर्विसेज है उसमें हम असाइन करेंगे जो हमारे पास RESP 1 है उसके अंदर हमारे पास डेटा जो है वो है 2 इंडेक्स पर, 0, 1 और 2। हम 2 इंडेक्स पर जो भी डेटा है उसको हम इसके अंदर असाइन करेंगे। देन अगेन हम सेव करते हैं और इसे हम कंसोल लॉक करके देखते हैं कि हमारा ऑल सर्विस के अंदर सारा डेटा आ चुका है। तो यहाँ पर करते हैं कंसोल डॉट लॉक, देन सेव। अगेन सेव करने के बाद हमें इसका न्यू आउटपुट मिलेगा। देन देखिए इस बार हमारे पास स्टेटस या मैसेज नहीं आया, डायरेक्टली हमारे पास डेटा आ चुका है। तो अब हम इस डेटा का यूज़ करते हुए हम इसे डिस्प्ले करा सकते हैं हमारे सर्विसेज ब्लॉक पर। तो आइए हम इसे डिस्प्ले कराते हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो है ऑल सर्विस, हम इसे करते हैं कॉपी। देन कंसोल लॉक हम रिमूव करेंगे। देन ओपन करते हैं होम कंपोनेंट डॉट HTML फाइल। देन होम कंपोनेंट डॉट HTML फाइल पर से ऊपर तक स्क्रॉल करेंगे। देन इसमें से मैं केवल एक को रखूँगा, बाकी के सभी को डिलीट कर रहा हूँ। तो जो हमारा सर्विसेज है एक की है, और यहाँ तक कि हमारे पास जो सर्विस है हम उसे करेंगे रिमूव। देन इसके बाद हमें यहाँ पर इसे डिस्प्ले कराना है। तो इसे डिस्प्ले कराने से पहले हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर डेटा नहीं होता है तो ये जो हमारा सर्विस वाला ब्लॉक है ये क्रिएट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिक्ट इफ, देन इसके अंदर हम पास कर देंगे ऑल सर्विस। देन सेव करते हैं। अगेन हम इसका आउटपुट देखते हैं, हमारा कोई एरर तो नहीं है। देन हम फुल पेज देखते हैं कि देखिए यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन API का रिस्पॉन्स आने के बाद ही हमारा सर्विस ब्लॉक शो होगा। तो हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं सर्विस ब्लॉक API के रिस्पॉन्स का इंतजार करते हैं। नेटवर्क में रखे सर्विस के स्टेटस का इंतजार करेंगे, हमने इसे कंसोल नहीं किया है। देन यहाँ पर हमें हमारी API मिलेगी। देन इसके अंदर जो हमारी API है वो है गेट सर्विस, ये रही हमारे पास हमारी API। और गेट सर्विसेज में हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है, लेकिन हमारा जो सर्विस ब्लॉक है वो इनेबल नहीं हो पाया। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, हमारा
रिस्पॉन्स आने के बाद भी हमारा सर्विस ब्लॉक इनेबल नहीं हो पाया, तो इसे देखते हैं। देन इसमें हमें यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पे हमने एनजी नहीं लिखा था तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनजी। देन अगेन हमारा पेज लोड होगा और उसके बाद हम रिस्पॉन्स आने के बाद हमारा देखिए सर्विस ब्लॉक नहीं है। देन कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक सर्विस ब्लॉक आएंगे। ये हमने भी पूरा लिखा था, ओके यहाँ पे कैपिटल लीफ लगाना था। देन सेव करेंगे। देन देखिए कुछ समय के बाद अगर हम वापस रिलोड करते हैं तो कुछ समय के बाद सर्विस ब्लॉक आएंगे। देन देखिए सर्विस ब्लॉक आ चुका है, तो इस तरीके से कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक सर्विस ब्लॉक आता है। देन उसके बाद हमें इसे डेटा डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्ट्रिक्ट एन जी फॉर लूप यूज़ करेंगे। देन उस लूप में हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट सर्विस ऑफ, देन इसे हम गेट करेंगे हमारी ऑल सर्विसेज से, तो हम इसे करते हैं पेस्ट। देन अगेन हम इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारा लूप में इसे 3 बार या रिपीट हुआ या नहीं। तो देखिए 3 बार जो है ये रिपीट हो चुका है और अभी ये 1 1 आ रहा है क्योंकि हमने इसमें डेटा जो है एक ही डेटा है, तो ये 3 बार लूप तो चल चुका है लेकिन डेटा हमने चेंज नहीं किया इसलिए ये सिंगल है। तो अब हमें डेटा चेंज करना है, तो हम यूज़ करेंगे जो हमने नया सर्विस रेफरेंस वेरिएबल बनाया है उसमें से। देन यहाँ पर सोशल हम डिस्प्ले कराना है, यहाँ पर सर्विस में हमें जो टाइटल मिल रहा है हमारे पास टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर देंगे हम टाइटल। देन इसके बाद हम उसे कॉपी करते हैं। देन यहाँ पर हमें देना है इसके लिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। देन इसके बाद हमें यहाँ पर एक डिस्टेंस देने के लिए यहाँ पर हम बनाएंगे डी डॉट कॉल एस एम हाइफन 1, तो एक स्पेस के लिए। देन अगेन हम सेव करते हैं तो हमारा पेज लोड होगा। देन सर्विसेज तो आ चुकी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही पास पास है तो इन्हें हमें दूर करना है क्योंकि हमने इसे जो बनाया है हमारा जो लूप चल रहा है इस 3 वाले पे ही चल रहा है और ये जो हमारा है ये इसके बाहर है, तो इसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो ये हमारा इसके लिए हम मार्जिन लेफ्ट जो है हम 4 पिक्सल दे देते हैं। देन मार्जिन राइट भी 4 दे देंगे तो ये 8 पिक्सल डिस्टेंस पर आ जाएंगे दोनों। देन अगेन इसका हम आउटपुट देखते हैं, तो ये देखिए अब हमारे जो सर्विस ब्लॉक है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे आ चुके हैं, तो हमारे पास तीनों सर्विस हमारी डायनेमिक आ चुकी है। देन इसके बाद हमें हमारा जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है इसके लिए भी मैसेज को इस तरीके से मैनेज करना है। देन जो नीचे सब्सक्राइब वाला ब्लॉग है उसके लिए भी हमें उस तरीके से मैनेज करना है, तो हम सबसे पहले जो हमारा ये है हम करते हैं पहले कॉपी जो हमारे ऑब्जेक्ट को अरे में कन्वर्ट करता है। देन हम चलते हैं सेव सेव कॉन्टेक्ट फंक्शन जो हमारा कॉन्टेक्ट के लिए है इस पर हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे। देन इसके बाद जो हमारे पास डेटा में हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है इसका यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे सब्सक्राइब को भी डेटा रिस्पॉन्स में आ रहा था, तो इसके लिए हम इसी तरीके से कंडीशन लगाएंगे। देन इसे करते हैं हम कॉपी, देन इसे हम सबसे टॉप पर रखेंगे। देन अगर ट्रू होगा तभी हम फॉर्म को रिसेट करेंगे, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ देन इसकी जो 0 इंडेक्स है वो अगर ट्रू होती है तभी होगा। देन इसे हम शुरू करेंगे हमारे इस इफ ब्लॉक पर। देन इसे हम अलर्ट को कॉपी करते हैं, देन अदरवाइज फॉल्स होगा स्टेटस, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर होगा प्लीज ट्राई अगेन, तो लिखते हैं प्लीज ट्राई अगेन। देन इसे हम चेक करते हैं क्या हमारा सक्सेस मैसेज अभी भी आ रहा है। हम कंसोल
ओपन करते हैं। नेटवर्क जिसमें मैं एपीआई का जो भी रिस्पांस होगा वो दिखेगा। डेमो डेमो एट gmail.com, देन मैं डालते हैं मोबाइल नंबर, देन डेमो, देन इसके बाद हम ऐसे ऐसे करते हैं सेंड। तो यहाँ पर हमारी एपीआई कॉल हो चुकी है। देन एपीआई का हमें जैसे रिस्पांस आता है तो हमारे पास यहाँ अलर्ट आना चाहिए सक्सेस का या फॉल्स का। तो हम देखते हैं हमारा जो स्टेटस था वो यहाँ पर ट्रू होने के कारण देखिए कॉन्टेक्ट सक्सेसफुली सेंड, और यहाँ पर भी हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो ट्रू में आया है। तो ये हमारे पास कंडीशन हमारी लग चुकी है। इसी तरीके से हम इसके लिए भी कंडीशन लगा सकते हैं सब्सक्राइब वाले के लिए। तो हम इसी को कॉपी करेंगे, देन सब्सक्राइब वाला ब्लॉक हम स्क्रॉल करते हैं। हमने यहाँ पर बनाया है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ओके, हमारा सब्सक्राइब है एप कंपोनेंट और टीएस में। तो हम एप कंपोनेंट टीएस में चलते हैं। देन यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ हमारा ये ब्लॉक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए भी इसी तरह से कंडीशन लगाएंगे इफ, देन यहाँ पर हम लिखते हैं इफ इसकी जीरो इंडेक्स पर अगर ट्रू ट्रू है तो हमारी इफ कंडीशन चलेगी। देन इसमें हम अलर्ट करेंगे थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। देन इसके बाद हमें फॉर्म को रिसेट भी करना है। तो हमें यहाँ पे जो सब्सक्राइब फॉर्म है इस पर डॉट रिसेट मेथड लगा के हम इसे रिसेट करेंगे। देन जिस तरह से हमने हमारे जो होम कंपोनेंट है इस पर रिसेट किया था, तो हमने इसके पेरेंट को किया था, तो हम यहाँ पे भी इसे पेरेंट वाले को कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दिस डॉट सब्सक्राइब डॉट रिसेट। देन अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पर हम एल्स में आते हैं और यहाँ करते हैं अलर्ट, और यहाँ पे होगा प्लीज ट्राई अगेन। देन इसे हम करते हैं सेव। देन अगेन हम इसका भी आउटपुट देखेंगे। देन यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जाम्पल एट gmail.com, देन यहाँ से हम करते हैं सब्सक्राइब। सब्सक्राइब होते हैं हमारा रिस्पॉन्स ईमेल आएगी यहाँ पर, ये देखिए थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। देन हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है रिसेट हो चुका है। तो हमारी दोनों तरह कंडीशन लग चुकी है। देन हम सर्विस को भी डायनेमिक कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमारा होम पेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे नेक्स्ट वीडियो से रूम बुकिंग रिक्वेस्ट सेक्शन वर्क करेंगे, जिसमें हम जो हमने ये राउट बनाया है रूम बुकिंग रिक्वेस्ट का इस पर वर्क करेंगे, जिसमें हम यूज़र से रूम की बुकिंग की रिक्वेस्ट करवाएंगे। तो इसके लिए हम वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।